तेलंगाना वक्फ बोर्ड मेंबर एडवोकेट वहीद अहमद ने एक प्रेस मीट मुनाकिद की जिसमें उन्होंने टीआरएस पार्टी की सताइश करते हुए हुकूमत की जानिब से निकाले गए सारे स्कीमात के ताल्लुक से तफसीलात बताई। उन्होंने आवाम से गुजारिश की है कि वो सिकंदराबाद हलके से टीआरएस उम्मीदवार टी साई किरण का साथ दे वोट देकर उन्हें कामयाब बनाए। इस मौके पर आवाम की कसर तदाद शरीक रही। बीजेपी का आप महसूस करिए कितने एमएलए है कितने कारपोरेटर है उसके बाद अपन बात करेंगे। और मैं समझता हूँ हमारे इस रियासत में हमारी एक नौजवानों की दिलों की धड़कन हमारे केपी रामाराव साहब जो रोड शो कर रहे हैं, रोड शो का आपको खुद अंदाजा होगा, रोड शो में लाखों की पब्लिक, रोड शो में लाखों की पब्लिक। आपने भी आपके खैराबाद में जहरा नगर पर जो रोड शो हुआ आपने खुद महसूस किया होगा। मैं समझता हूँ आपको डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं। अरे भाई अगर हम कांग्रेस को डालेंगे तो कांग्रेस को नहीं डालेंगे तो बीजेपी आ जाएंगे। बीजेपी को तो आने का चांस ही नहीं है ना कांग्रेस को आने का है। और आपने देख लिया होगा पिछले इलेक्शन से पहले बीजेपी की हुकूमत थी क्या तेलंगाना में मजाल थी, दूसरे रियासतों में कितनी गड़बड़ हुई, यहाँ पर हुई नहीं हुई। यहाँ हम अमन के साथ पीस के साथ जिंदगी गुजारे, वो इसलिए गुजारे कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब के पास है। ये जो चाह रहे थे कि हम यहाँ पर और मैं समझता हूँ अल्लाह के फजल करम से हम यहाँ पर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे चीफ मिनिस्टर का साथ हम देंगे और हमारे यूथ लीडर कल्ला तारका रामाराव साहब का साथ देकर साई किरण यादव को जिताएंगे। और मैं आपसे अपील करता हूँ कम नहीं, मुझे बोलने में मजा आ रहा है क्योंकि पब्लिक नहीं है, लेकिन आपकी जो डिस्पेटू है आपकी जो तरफ है केसीआर साहब की स्कीमात को जो आप सुन रहे हैं उसमें मुझे भी मजा आ रहा है। और मैं वादा करता हूँ ये जलसा नवाब साहब का ना सिर्फ कामयाब है बल्कि ये जलसा पूरे जलसों में सबसे यानी बहुत ज्यादा अच्छा जलसा रहा। मैं उम्मीद करता हूँ और आपको वादा दिलाता हूँ आप केसीआर साहब का साथ दीजिए, इंशाल्लाह आप अमन के साथ पीस के साथ आपकी जो मांगे हैं नेशनल यानी सेंट्रल लेवल पे अब आप केसीआर साहब को जिताएंगे तो फेडरल फ्रंट बनेगा, फेडरल फ्रंट यहाँ पर मरकज की सरकार बनाएगा और जो वजीर आजम बनेगा उसका फैसला तेलंगाना की इन गलियों में होगा, तेलंगाना की इन गलियों में होगा मुल्क के वजीर आजम का। मैं आप तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ दिल्ली की फिक्र करें, दिल्ली की फिक्र मत करें, हमें दिल्ली में रहना है। यहाँ पर अगर हमें अमन मिलेगा सुकून मिलेगा यहाँ की रियासत की हुकूमत अगर देगी तो हम खुशहाल रहेंगे। आप दिल्ली की फिक्र करेंगे तो यहाँ पर परेशानी होगी। मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह आप तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का साथ दीजिए, टीआरएस के हक में वोट इस्तेमाल कीजिए जिसका इम्तियाजी निशान कार है, कार को अगर भारी मेजोरिटी के साथ अक्सरियत के साथ आप डालेंगे तो केसीआर साहब अपने आप को खुशी महसूस करेंगे और भी शायद इसकी मात को आपके दरमियान में लाए होंगे। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ।